हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समय। आज का राशिफल 20 जून 2021 का ये राशिफल आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जिनकी भी जन्मदिन है, जिनके भी लिए भी आज एनिवर्सरी या शादी की वर्षगांठ या शादी का एनिवर्सरी है, उनको मैं शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जिनका भी आज जन्मदिन है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ 20 जून 2021 का आज का राशिफल, आज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण विशेषता लाया है। तो इस वीडियो को आखिरी तक अंत तक अवश्य देखें। 20 जून 2021 शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, चंद्रमा इस समय कन्या राशि का होगा। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि के होंगे, चित्रा नक्षत्र होगा। 2:36 पे इस समय चंद्र उदय होगा। सूर्य उदय इस समय 5:23 पे होगा। इस समय जो हमारा राहु काल है वो 5:23 से लेके शाम के 7:20 तक रहेगा। राहु काल अनेक अनेक शहरों में, अनेक अनेक देशों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से निकलता है। जब भी आप अपना राशि राहु काल देखे तो अपने पंचांग, अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन दी है एस्ट्रो की, उस माध्यम से और जो भी पंचांग रहते हैं, जो भी कैलेंडर रहते हैं, उस प्रकार से देखे, क्योंकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग पे राहु काल रहता है। तो आप जब भी राहु काल देखे अपने तरीके से देखिए। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का राशिफल। आज एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण ये बात है कि देव गुरु बृहस्पति जो कि 20 जून 2021 के मतलब आज के दिन से ही वक्री हो चुके हैं, आपके लिए क्या क्या फलदायक समय, क्या महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए आज सबसे शुभ फलदायक दिन रहेगा। आज आपको धन एकदम अचानक से, इतना बड़ा धन आपको प्राप्त होगा, अचानक से बड़ा लाभ, अचानक से भाग्य उन्नति के लिए आज एक ऐसी विकासपूर्ण योजना बनने वाली है जो आपने कभी नहीं सोची होगी। जो कार्य बहुत अधिक समय से रुका हुआ था आज के दिन वो पूर्ण होगा। आज के दिन आपको मेष राशि वालों को थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा खर्च आपका अधिक बढ़ सकता है, धन जितना आएगा उतना ही आप खर्च करने का सोचेंगे, पर इसलिए आपकी गृहिणी, आपकी पत्नी इस समय आप पे अंकुश लगाएंगी, वही इस समय धन को संचय करने में आपकी मदद करेंगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है, पिता से थोड़ा सा मतभेद भी रह सकता है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी भी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल रह सकता है। मन में जो अशांति बहुत अधिक समय से चल रही थी वो आज के दिन पूर्ण रूप से समाप्त होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के लिए आज माता के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, किंतु शाम के समय थोड़ा पिता से मन मुटाव हो सकता है, उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुख संपन्न, सुख समृद्धि लाने वाले दिन है। आज के दिन पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य अवश्य होगा, धार्मिक कार्य भी अवश्य हो सकता है, कोई मनोरंजक स्थल पे आ जा सकते हैं, पुराने मित्रों से आज के दिन आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भाई बहनों से मनमुटाव चल रहे थे वो आज के दिन आपके दूर होगी। कार्य क्षेत्र में जो उथल पुथल, जो परेशानी चल रही थी वो आज के दिन दूर होगी। जॉब वालों के लिए नौकरी में जो बॉस परेशान कर रहे थे, आज के दिन बॉस से आपके पक्ष में आएंगे। जो आपके सीनियर, जो आपके जॉब में हमेशा परेशानी, आपके कार्य में हमेशा परेशानी उत्पन्न करते थे, आज के दिन वो आपके पक्ष में होंगे। आज आपके लिए ये दिन अनुकूल रहेगा। प्राइवेट जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी कारक रह सकता है। आज लाभ का दिन भी रहेगा, आपको एक बड़ा लाभ होगा। लाभ किंतु शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन प्रकार का लाभ होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस समय बकरी हो चुके हैं। कुंभ राशि में बकरी जो कि शनि की राशि है, उसकी शत्रु राशि है, तो थोड़ा सा वो इन्हीं तरीकों से आपको पैसा दिलाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आप संतान पक्ष के लिए जो चिंताकारक विषय बने हुए हैं, आज उसका आपको पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त होगा। जो चिंता आपको संतान के पक्ष की से बनी हुई थी कि संतान के लिए, करियर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए जो चिंता बनी हुई थी, वो आज के दिन समाप्त होगी। आप उनके पक्ष में कोई अनुकूल निर्णय लेंगे। मिथुन राशि वाले आज मनोरंजक स्थल पे घूमने जा सकते हैं, कला के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। कला के प्रति आपका रुझान हमेशा रहता है, किंतु आज के दिन अधिक बढ़ेगा। आप कहीं कला, आप बहुत ज्यादा कला प्रेमी, आज आप कहीं बाहर मनोरंजक स्थल, जो कला का क्षेत्र है, वहां पर आप भ्रमण कर सकते हैं। आज आप समय अपने कला के प्रति, अपनी जो रुचियां है उनके प्रति देंगे। आप इस समय कहीं जाके, कहीं संगीत सुन के अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन आप आराम और सुख समृद्धि में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज के दिन आप सुख समृद्धि से आज का आपका दिन जाएगा। पूर्ण रूप से परिवार के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। इस समय कोई बाहर बड़ी योजना आपकी बन सकती है। बाहर विदेश जाने के योग आज के दिन आपके बन सकते हैं। कहीं बड़ी बाहर जो हमारे देश से, मतलब
हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उससे 200 300 दूर किलोमीटर आप अवश्य जा सकते हैं कहीं घूमने जाने के योग। आज के दिन बनेंगे कर्क राशि वालों के लिए। आज थोड़ा सा चिंताकारक समय है, थोड़ा सा आपके शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे। कोई ना कोई शत्रु आपके ऐसा मन में एक भय बना सकते हैं जिस कारण आप कोई ऐसी चूक कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले भविष्य में कोई ऐसा परिणाम भुगतना पड़े, वो आज का दिन है। कोई ना कोई शत्रु से आपको आज सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपको कोई ना कोई संकट पहुंचाने की करेंगे चेष्टा, इसलिए आपको थोड़ा शत्रु की तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन थोड़ा सा चिंताकारक है। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी, पार्टनर से इस समय लड़ाई हो सकती है, पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, पत्नी से मनमुटाव रह सकता है। जो प्रेम विवाह जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन जो कोर्ट कचहरी मामले चल रहे हैं, जो सरकारी संबंधित मामले चल रहे हैं उसमें आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जो बिजनेस आपने बहुत अधिक समय से सोच के रखा था वो आज के दिन उसका आप निर्णय लेंगे, आज वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आएगा। एक जो अधिक समय से लाभ, एक जो मन में असंतुष्टि लगी हुई थी, जो कार्य हो नहीं पा रहा था, वो आज के दिन 20 जून 2021 को देव गुरु बृहस्पति आपका वो शुभ कार्य अवश्य कराएंगे। आपको एक जो बिजनेस आप सोच रहे थे वो आज के दिन पूर्ण रूप से होगा। संतान पक्ष के लिए थोड़ा संतान का आज चिंताकारक विषय बन सकता है। संतान पक्ष से थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है। पिता से आज पिता के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, पिता के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। माता और पिता दोनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। माता और पिता और गृहस्थ गृह अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, किंतु पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव इन्हीं कारणवश रह सकता है। जो मेहनत परिश्रम आपने किया उसका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, पर आज के दिन 20 जून 2021 को देव गुरु बृहस्पति आपको वो परिश्रम वो मेहनत का फल आपको आज के दिन प्राप्त कराएंगे। तुला राशि वालों के लिए आज कहीं बाहर बड़ी घूमने जगह जा सकते हैं, कहीं घूमने आप जा सकते हैं। आज आप मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। जो कार्य बहुत अधिक समय से रुका हुआ था वो आज के दिन आपका पूर्ण होगा। जो पारिवारिक जीवन में जो मन मुटाव चल रहे थे वो आज के दिन दूर होगा। आज आपको व्यक्तिगत सम्मान मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने का दिन है। आज आपको कोई राजनीतिक पक्ष से कोई ऐसा मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप राजनीतिक पद में हैं तो आपको कोई राजनीतिक कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो राजनीति गवर्नमेंट संबंधित आपको मान सम्मान इस समय प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपके दैनिक आय बढ़ेगी। आज आपको कोई अनावश्यक धन लाभ हो सकता है। थोड़ा सा आपको पेट संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लीवर संबंधित परेशानी हो सकती है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप व्यापार करते हैं ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी आज के दिन उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद हो सकता है, कोई ना कोई भारी नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करते हैं उसमें बिल्कुल सफलदायक समय रहेगा, किंतु अगर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है तो उसमें थोड़ा सा आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पत्नी से थोड़ा मन मुटाव रह सकता है, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। घर संबंधित मकान संबंधित और गाड़ी संबंधित कोई ना कोई आपको आज परेशानी उठानी पड़ सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। मकान संबंधित कोई लीकेज संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे तो कोई चिंताकारक विषय नहीं का, अगर आप खुद अपने मकान में अपने स्वयं के मकान में रह रहे तो उसमें थोड़ी सी चिंता कोई ना कोई परेशानी आज के दिन उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाइयों से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, उनसे कोई वाद विवाद हो जाए जिससे आपको थोड़ा सा संकट का सामना करना पड़े, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता। पिता से आज वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पिता से थोड़ा सा सोच समझ कर ही बात करें, उनसे थोड़े से जो उनकी जो वो चाह रहे हैं उनके विचारों पर विमल करके उनके विचारों को समझ के उन पर निर्णय ले, उनकी अचानक से बात ना टाले जिससे आपको कोई ऐसी हानि उठानी पड़े जो भविष्य में आपको संकट प्रदान कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए आज सीखने सिखाने का दिन है। आज आप कहीं बाहर जाके कोई ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे, कोई बड़ी धार्मिक स्थल पे भी आप जा सकते हैं जहाँ से आप धार्मिक ज्योतिष ज्ञान या तत्व ज्ञान या शास्त्र ज्ञान या ऐसी कोई गुप्त ज्ञान आप सीखने का प्रयत्न करेंगे आज के दिन 20 जून 2021, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस समय वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में, तो आपका इस समय अचानक से एजुकेशन पढ़ाई के मामले में अचानक से आपका रुचि बढ़ गई है। आप इस समय अचानक से जैसे ज्योतिष ज्ञान तत्व ज्ञान इन सब में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आप इन सबको सीखेंगे और ये भविष्य में जाके आपके लिए एक बड़ा एक अच्छा भाग्य का विकास करने वाली ऐसी चीजें बनेंगी, इसलिए आप इन चीजों से पीछे ना हटे, आप इनको समय अधिक दे और ये चीजें सीखे, इससे आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा शत्रुओं से इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके थोड़े कार्य क्षेत्र में बाधाएं पहुंचा सकते हैं। उनसे आप मन दूर रख के इन क्षेत्रों में एजुकेशन पढ़ाई इन सब में सीखने सिखाने में आज का दिन दे बहुत अच्छा आपका सफलदायक समय रहेगा। मकर राशि वालों के लिए
थोड़ा सा चिंता कारक, मन में एक जो अशांति है, व्यक्तित्व जीवन में एक अशांति रहेगी, आपको कोई ना कोई ऐसी मानसिक ठेस पहुंच सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आज के दिन जो आपका लाभ होने वाला है वो आज के दिन टल जाएगा, आज के दिन आपका खर्च बढ़ेगा, धन नहीं आएगा, आज के दिन खर्च आपका अधिक बढ़ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा स्त्री के माध्यम से आपको ऐसी हानि उठानी पड़े जिससे आपको पूरा दिन आपका एकदम नेगेटिविटी में जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना होगा, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ और इन स्त्री से, जो बाहरी स्त्री है उनसे आपको थोड़ा आज दूर रहने की आवश्यकता है। वो कोई ना कोई आपके व्यक्तित्वगत जीवन में कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न कर सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए किसी बड़े धार्मिक स्थल पर या पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य होगा, जो शुभ कार्य की योजना बनेगी। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है वो आज के दिन विवाह संबंध जुड़ने के अवसर है। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो विवाह में परिवर्तन होने का समय आ चुका है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं और आज जो प्रेमी प्रेमिका है, आज जो कई समय से मिल नहीं पा रहे हैं वो आज के दिन मिलेंगे। संतान पक्ष के लिए अगर आज वो कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई नया कार्य शुरुआत कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो वो आपकी पूर्ण रूप से सफल होगी, आपको नए कार्य क्षेत्र में लेके जाएगी, आपके भाग्य उन्नति के लिए आज विकास पूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए आज सुख समृद्धि वाला पूर्ण वातावरण, शुद्ध वातावरण से आज आपका दिन जाएगा। आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा अवश्य करें। सुबह की शुरुआत आप सूर्यदेव को अर्घ जड़ा के करें जिससे आपके मन में जो नेगेटिविटी आने के जो संकेत है उसको पॉजिटिविटी में आ जाए, पॉजिटिविटी आपके पूरे सकारात्मक पूरा दिन आज आपका बीते। आज मेडिटेशन, ध्यान, योगा करें, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाए जिससे आपके मन में जो एक परेशानी है, जो मन में जो टेंशन है वो उससे दूर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, सुख समृद्धि का माहौल रहेगा, एक पूर्ण रूप से जो अशांति थी वो आज के दिन आपकी दूर होगी। नए वाहन, नई गाड़ी, नए मकान का आज योग बन सकता है। प्लॉट संबंधित अगर कोई मामला चल रहा है तो उससे आज के दिन आपको थोड़े दूर रहने की आवश्यकता है, प्लॉट संबंधित कोई ना कोई मामले में आज आप फंस सकते हैं। पेट संबंधित आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, पेट संबंधित और लीवर संबंधित आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, पैर में चोट चपेट लग सकती है, सोच समझ के आज कहीं भी जाए सोच समझ के देखभाल करने की आपको आवश्यकता है। व्यापार में थोड़ी सी आपको नुकसान उठाने पड़ सकता है और थोड़ा सा पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप ध्यान में, योगा में, आपने बाहर या मनोरंजन जीवन में कहीं बाहर ऐसे बड़े भाइयों के साथ आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, वहां जाके आपके मन की जो अशांति है वो शांति के रूप में परिवर्तित होगी और ये सब आपके शुभ परिणाम पॉजिटिविटी की तरफ से लेगी। आज के दिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के बस सिर्फ अपने पत्नी के विषय में और अपने थोड़े कार्य क्षेत्र में से दूर रह के आपको अपने मन में एक अशांति प्रदान करनी है जिससे ये जो अशांति दूर हो, शांति का वातावरण आपके बारे। आज मैंने आप सभी को बताया मीन राशि वालों के लिए, मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल 20 जून 2021 रविवार का दिन, आज के लिए आपके लिए क्या क्या शुभ परिणाम, क्या महत्वपूर्ण बातें लेकर आया मैंने आप सभी को बताई। ऐसे ही मैंने आज का राशिफल, डेली मोटिवेशन वीडियोस, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और ज्योतिष सिखाने के कुछ वीडियोस भी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे इसी प्रकार से जैसा प्यार और स्नेह आप मुझे साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल में दिया, उसी प्रकार से मुझे प्यार और स्नेह आप मुझे आज के राशिफल में और ज्योतिष सिखाने के कुछ वीडियोस में भी आप मुझे इसी प्रकार से प्यार दे जिससे मैं आगे और भी आपके लिए नए नए प्रकार के वीडियोस लेकर आते रहूं। ये मैंने जो चैनल बनाया है एस्ट्रो विशाल, आप सभी के जन कल्याण के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, जिससे आपकी जो भी मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता हो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।